पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के बीच केजरीवाल का मुंबई दौरा, महाराष्ट्र को बताया करप्शन की राजधानी। दोस्तों, महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो घोटालों का देश बन चुका है, गलत तो नहीं कह रहा। इरिगेशन घोटाला, आदर्श घोटाला। विवादों में फंसा केजरीवाल का मुंबई दौरा, तीन से ज्यादा सवारी बिठाने पर काफिले में चल रहे तीन ऑटो चालकों पर जुर्माना, नियम तोड़ने वाले एक ऑटो में केजरीवाल भी थे सवार। केजरीवाल के लोकल में सफर के दौरान मची अफरा तफरी पर राज्य सरकार सख्त, आरआर पाटिल ने कहा नुकसान की आपको करनी होगी भरपाई। केजरीवाल के दौरे में चर्चगेट स्टेशन पर भी मची अफरा तफरी, समर्थकों की भीड़ से टूटा मेटल डिटेक्टर। कल नागपुर जाएंगे केजरीवाल, प्रशासन ने एक घंटे की रैली के लिए दो शर्तों के साथ मंजूरी दी। नागपुर में केजरीवाल के दौरे को लेकर आपकी तैयारी, केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 10,000 का टिकट। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ पूर्व आईपीएस सुरेश खोपड़े को मैदान में उतारा। बुलधाना में मुख्यमंत्री पर नाराज किसानों ने उतारा गुस्सा, मुख्यमंत्री के काफिले पर फेंका कूड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में बारिश और ओले गिरने से भारी तबाही हुई, मुख्यमंत्री हालात जानने के लिए 28 जिलों का दौरा इस समय कर रहे हैं। शहरगांव के किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, किसानों का आरोप पृथ्वीराज चव्हाण सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आए थे। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान, करीब 10 लाख हेक्टेयर पर खड़ी फसल बर्बाद। ओले और बारिश से दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं, सैकड़ों घर भी तहस नहस। एसर अनुहिया मर्डर केस में पुलिस ने नासिक और त्र्यंबकेश्वर से दो पुजारियों का बयान लिया, इन्हीं के सामने आरोपी चंद्रमान ने अपना गुनाह कबूला था। गोवा पुलिस का तरुण तेजपाल के रिश्तेदारों पर आरोप, दिल्ली में हर किसी को दिखा रहे हैं केस से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज, तेजपाल की मांग पर परिवार को मुहैया कराया गया था ये फुटेज। तरुण तेजपाल की जमानत पर फैसला शुक्रवार तक टला, गोवा पुलिस ने किया बेल का विरोध। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शक्ति मिल का गेट बनाने और उसके किनारे बाड़ लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया 3 हफ्ते का समय, शक्ति मिल में पिछले साल फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुआ था गैंगरेप। मुंबई एयरपोर्ट पर बिजली गुल होने से अफरा तफरी, दोपहर बत्ती गुल होने से रात तक कई फ्लाइट देरी से उड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर सामने आए सोने की स्मगलिंग के दो मामले, 64 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सोना पकड़ा गया। विमान कंपनियों का होली डिस्काउंट ऑफर, गर्मी की छुट्टियों के लिए सस्ते सफर का ऑफर। चौदह अप्रैल से 30 जून के बीच सफर के लिए मिलेगी होली डिस्काउंट सुविधा, मुंबई से अहमदाबाद का टिकट 1999 रुपए में मिलेगा, 16 मार्च तक चालू रहेगी स्कीम। 14 मार्च को लॉन्च होंगे सचिन तेंदुलकर के चांदी के विशेष सिक्के, सिक्के पर तेंदुलकर के चेहरे और नाम के अलावा उनके दस्तखत भी होंगे।
बाजार में लॉटरी रौनक, सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर 21,856 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक चढ़ा। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक की जोरदार शुरुआत। पहले दिन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपना कलेक्शन पेश किया। सोनाक्षी सिन्हा ने रैंप पर जलवे बिखेरे। फैशन वीक में शामिल हुई कंगना रनौत, कई और फिल्मी सितारे बने पहले दिन फैशन शो का हिस्सा। बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपने 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन आज मुंबई पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने खुद को आम आदमी दिखलाने के लिए लोकल से अंधेरी से चर्च गेट तक सफर किया, ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी ने भी 4 साल पहले किया था। लेकिन केजरीवाल का लोकल और ऑटो रिक्शा का सफर मुंबईकरों के लिए दिक्कत भरा साबित हुआ। मुंबई में अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हंगामे, हुड़दंग और अफरा तफरी के बीच हुई। कहीं केजरीवाल समर्थकों ने मेटल डिटेक्टर गिराए तो कहीं आम लोग उनके काफिले की वजह से भारी जाम में फंसे रहे। सुबह करीब 10:15 बजे मुंबई पहुंचे केजरीवाल ने एयरपोर्ट से अंधेरी स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ा। उनके काफिले ने ट्रैफिक नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई। केजरीवाल की आंखों के सामने उनके समर्थक नियम तोड़ते हुए ऑटो के दोनों ओर लटक गए, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को, जिन पर ओवरलोडिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया। आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रेड लाइट भी पार की और बिना हेलमेट पहने ही केजरीवाल के काफिले में शामिल हुए। वो रिक्शा में बैठे हुए यहाँ पर साथ में प्रीति मेनन भी है और यहाँ से वो काफिला सीधा जाएगा अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन पर केजरीवाल को देखने के लिए काफी भीड़ जमा थी। कुछ देर वो लोगों से भी मुखातिब हुए, फिर समर्थकों की भीड़ के साथ लोकल में सवार हो गए। केजरीवाल लोकल में चढ़े तो जनता की समस्याएं जानने के लिए थे, पर उनके समर्थकों की भीड़ ही जनता की परेशानियों की वजह बन गई। चर्चगेट स्टेशन पहुंचकर उनके समर्थकों की अनियंत्रित भीड़ ने सुरक्षा के लिए लगे मेटल डिटेक्टर गिरा दिए। जब वो यहाँ से निकल रहे हैं तो ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर पड़े हैं। ये तीनों मेटल डिटेक्टर इस एंट्री पॉइंट पे लगाए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स और जब वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और उसे काफी नुकसान पहुंचा है। मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्टेशन से बाहर जाने की हिदायत दी। सिर्फ दिखावा है केजरीवाल का, अगर उनको मिलना है तो वो आम आदमी की तरह रहे, उसको अगर ट्रेन में घूमना है तो आम आदमी की तरह घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके कार्यकर्ताओं के साथ या मतलब आम पब्लिक को परेशान करके वो चले। लेकिन अपने दौरे से मुंबईकरों को हुई परेशानी केजरीवाल को नजर नहीं आई, पर सरकार के प्रति जनता का गुस्सा दिख गया। केवल कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, सारी जनता उमड़ रही है। ये दिखाता है कि जनता बहुत गुस्से में है। जनता को अब आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही है। गृह मंत्री आरआर पाटिल ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, कौन सी भी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है, कानून सबके लिए एक है। पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें मुंबई से ही हैं। मुंबई से दिवेश नायर और दिवाकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने दौरे में अरविंद केजरीवाल ने दक्षिण मुंबई से आपके सीट पर लड़ रही मीरा सान्याल के लिए रोड शो किया, जिसमें कहीं उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई तो कहीं लोग उनसे नाराज भी नजर आए। केजरीवाल को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के लिए आम लोगों का समर्थन बढ़ ही रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से ऊब कर लोग उनकी पार्टी की ओर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से यहाँ बात करना चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल हम लोगों से बात करे, मगर लोगों को धक्के मार के किनारे किया गया। आम आदमी की छवि अब अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ती दिख रही है।
जब इन जनाब को पुलिस और आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के पास नहीं जाने दिया तो इनका गुस्सा फूट पड़ा। कुछ और लोग भी मुंबई पहुंचे, केजरीवाल से नाराज दिखे। हम लोग ये रोड शो की मुखालफत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मुखालफत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास जैसे बेहया इंसान जो के किसी के माइक पे किसी की तकरीब को सजाने के लिए किसी के मजहब को मजाक किया जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आम पार्टी के कोई भी एक भी मेंबर अगर यहाँ पे आके रैली भी निकाला तो हम औरतें आंदोलन करेंगे। दक्षिण मुंबई सीट से खड़ी हुई मीरा सान्याल के लिए केजरीवाल ने अगस्त क्रांति मैदान से नागपाड़ा तक रोड शो किया। मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी की खूबियां गिनाने में उन्होंने पूरा जोर लगाया। दोस्तों ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है, मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं नागपाड़ा। ये पूरा इलाका मुस्लिम वोटरों से भरा पड़ा है और आम तौर पे कांग्रेस को अधिकतर यहां के लोग वोट देते हैं, लेकिन यहां सेंध मारने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा है, अल्लाह का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है कि सारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खड़े हो रहे हैं। और कई लोगों को केजरीवाल की बातों में दम नजर आया। इनको 101% वोट देना चाहिए, 100% नहीं। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक जाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आम आदमी कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे कहेंगे? अरे भाई ये प्रॉब्लम 3 घंटे का है और जो दूसरा आदमी आ जाएगा वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। भाईकला के खिलाफत हाउस पर छोटी सी भीड़ के सामने केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। ना आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया। ये पार्टियां केवल हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। केजरीवाल के रोड शो से दक्षिण मुंबई में काफी जाम भी लगा। मुंबई से दिवाकर सिंह और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। जिंदाबाद, 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 भाई भाई भाई।